कि वो कहते हैं कि बीजेपी को हराना बहुत जरूरी है, हम भी बीजेपी को हराना चाहते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि बीजेपी को हराना है तो बिना सर तोड़ हमको दे दो, आगे पीछे मत सोचो। जो मैं देखता हूँ भारतीय जनता पार्टी को, फिर मैं समाजवादी पार्टी को देखता हूँ, कांग्रेस पार्टी को देखता हूँ, बहुजन समाज पार्टी को देखता हूँ कि क्या कोई हित चाहता है, क्या कोई भला चाहता है। हर आदमी ये चाहता है कि आइए मर्द कर जाइए और हमारे सिंबल से लड़ दीजिए, पार्टी खत्म कर दीजिए, आपको क्या दिक्कत है, आपके तो 4-10 लोगों को 15 लोगों को टिकट दे देंगे हम, कुछ लोगों को मंत्री बना देंगे हम। पार्टी वार्टी का चक्कर छोड़िए, झंझट की बात छोड़िए, हिस्सेदारी की बात छोड़िए। मैंने चारों पार्टियों का नाम बताया, ये अलग बात है कि कल किसी से आपके दबाव में मैं तालमेल हो जाऊं कर लूं तो फिर इसी मंच से मैं उसकी तारीफ करने लगूंगा, किसी से करेंगे तो करने लगे करना पड़ेगा ना तारीफ। अगर वो सत्ता में करे, अगर वो हक हिस्से की बात करे तो उसके साथ चलना है, और हक हिस्से की बात ना करे तो नहीं चलना है। इसलिए आपको ना तो घबराने की जरूरत है और ना तो चिंता करने की जरूरत है। हमारे लिए बहुत विकल्प हैं, मैं उन्हें कहता हूँ कि बेटा 4 विकल्प हैं, और हमारे लिए तुम न सही तो कोई और सही, और नहीं तो कोई और सही, और नहीं तो कोई और सही। और देखो हम एक चीज और बता दें आपसे कि हमारा जो ये है जन अधिकार पार्टी के तत्वाधान में पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक भाईचारा बनाओ सम्मेलन है ना, ये तो देखो भाई पिछड़ा तो हम हो ही गए, नसीम भाई मुसलमान भाई हो गए, और एक भाई इनका और है वैसी है। तो देखिए मैं एक बात है बता रहा हूँ आपको, ऐसा हो नहीं रहा लेकिन मैं बता रहा हूँ आपको। तो देखिए फिर आप चिंता मत करिए, ये मैं पूरा समीकरण बना लूंगा, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक का पूरा समीकरण बना दूंगा मैं। थोड़ा मैं इतना परेशान हो जाता हूँ जब मैं शाम को फुर्सत होके खाना वाला खा के सोचता हूँ कि कुछ मैं पार्टी के बारे में सोचूं, तो शाम को कुछ लोग फिर फोन मिलाते हैं कि बाबूजी क्या हो रहा है, कुछ हो रहा है गठबंधन का कि नहीं हो रहा है, बड़ी चर्चा है बाबूजी आप बसपा में जा रहे हैं। जो दूसरा कहेगा पता चला कि बीजेपी वालों से बात हो गई यार। फिर कहेगा एक तीसरा, चलिए कोई बात नहीं, कांग्रेस कमजोर तो है लेकिन कोई बात नहीं, कांग्रेस से ही हो जाए। पूरी सलाह जो है वो देते सोचते बाबूजी तो चूतिए हैं, बाबूजी तो कुछ जानते नहीं, तो पूरी सलाह देते हैं भाई कुछ तो भरोसा करिए, कुछ तो मेरा भी भरोसा करिए कि मैं कुछ थोड़ी बहुत जानता हूँगा। और मैं कोई फैसला, अगर आप समझदार हैं तो मैंने कोई बात नहीं छिपाई आपसे, सब कुछ मैंने बता दिया।